मेरे एक दोस्त के पास 1 लाख रुपीज थे, तो उसने वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए, जिसका ब्रेकडाउन उसने मेरे साथ शेयर किया था। मेरा नाम वीडियो में मत ले, ऐसा कह के उसने मुझे अपने पोर्टफोलियो की इन्फॉर्मेशन दी है। तो चलिए देखते हैं 1 लाख रुपीज उसने कैसे इन्वेस्ट किए स्टॉक मार्केट में। 25% उसने रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है, 11.6% टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में इन्वेस्ट किया है, HDFC बैंक में 8.4%, 4.1% एशियन पेंट्स में, 3.2% टाइटन कंपनी में, अगेन 3.2% अदानी ग्रीन्स में, 2.2% टाटा मोटर्स में, विप्रो में 1.5% एंड बजाज में 2%, और बाकी के 36% उसने और भी कंपनीज में लगाए हैं। स्टॉक मार्केट एंड कंपनी एनालिसिस के बारे में और भी नॉलेज लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में 1 मिनट वीडियोस की लिंक है, वो जरूर चेकआउट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।